अब एक दूसरी बात, वो आजकल का बड़ा मसला है, उस पर भी चंद बातें अर्ज कर देते हैं। अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक बात बहुत गश्त कर रही है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चीज है भाई? मुसलमान के बहुत बड़े तबके में एक परेशानी और हैजान लोगों ने पैदा कर दिया कि है क्या, क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि जो लोग ये सब काम आजकल कर रहे हैं वो अपने देश के लिए बहुत ईमानदार नहीं हैं। बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये काम नहीं हो रहा है। आजकल जो भी काम देश में किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता है, सियासी फायदा। कैसे हम किसी काम से सियासी फायदा उठा सकें, ये पहला मकसूद होता है। दिखाया जाता है कि हम आवाम के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सेकेंडरी बात होती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। कोई ये कहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों के लिए कानून एक होगा, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि क्या आज दो है? हम मुकदमा करेंगे तो मेरा कोर्ट अलग है, कोई गैर मुस्लिम हम पर मुकदमा करेगा तो उसका कोर्ट अलग है, मुसलमान के लिए कानून अलग है, हिंदू के लिए कानून अलग है, ईसाई के लिए कानून अलग है। क्या बात कर रहे हो भाई? थाना एक, पुलिस एक, मुंसिफ एक, मजिस्ट्रेट एक, सिविल कोर्ट एक, हाई कोर्ट एक, सुप्रीम कोर्ट एक, कानून तो सब एक है। राशन कार्ड सबका एक है। हम अगर जाके लाइन लगावें अपने कंट्रोल में तो क्या मुसलमान देख के कार्ड दूसरा बनेगा? टीका पड़ा अभी कोविड-19 का, कोविड-19 के नतीजे में लोग मरे तो धर्म देख के ना कोई मरा और धर्म देख के ना उसको टीका पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम भारतवासियों के लिए एक कानून है, एक बात है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप तो सब मुसलमान हैं, कोई आपके घर पर गया था कि सब लोग गोल टोपी पहन के आई हो, है ना? कोई गोल पहन के आया, कोई पल्ले वाली पहन के आया, कोई ऊंची पहन के आया, कोई नीची पहन के आया। इसका ताल्लुक कानून से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी जाति पसंद से है। आपकी जाति पसंद है कि हम गोल टोपी पहने, आपने गोल पहना, कौन आपको रोक देगा? अगर रोकता है कोई तो इसके मतलब यह है कि उसका दिमाग खसक गया है, है ना? जैसी टोपी पहनना आप पहनी, यह आपकी पसंद है। यह हंगामा मचा देना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यह ऐसा है कि सबको एक कर दिया जाएगा, यह दरअसल दो मकसद से किया गया। उस मकसद को जान लीजिए। पहला मकसद यह है कि आप बेचैन हो जाइए, घबरा जाइए, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें भाई, बोलो जल्दी से हम क्या करें। तो कुछ लोग लग जाएंगे कि ऐसे मोबाइल पर मैसेज करो, ऐसे फलाना करो, यहां पर जमा हो जाओ, यहां पर लेट जाओ, यहां पर खड़े हो जाओ, यहां पर ये बोलो। ये सब परेशान करने की एक सूरत है। दूसरा मकसद क्या है? किसी को खुश किया जाए कि इन लोगों को बहुत कुछ मिल रहा था, हम ही हैं जो इनका काट रहे हैं, हम ही हैं जो इनको हम बेचैन किए हुए हैं, इनको हम परेशान किए हुए हैं, इनको परेशान करने वाले हम ही ना हैं। तो दूसरा आदमी इकट्ठा हो गया, सारे लोग ग्लोबलाइज हो गए, पोलराइज हो गए कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा, मुसलमान लोग को बहुत फायदा था, बहुत बेनिफिट था, है ना? अगर कोई पूछ दे कि मुसलमानों को क्या फायदा था तो सबसे पहली चीज ये बताई गई कि मुसलमान चार चार शादी कर सकता था। चार चार शादी, जानते हो मुसलमान चार शादी अलाउ है, उसको चार शादी करेगा, है ना? ये एक हवा बनाई गई, ये एक माहौल बनाया गया, है ना? और इस माहौल में कभी भी सच्चाई से वास्ता नहीं पड़ा कि यहां पर हजारों मुसलमान जमा हैं। जब पूछ तो दीजिए कि कितने आदमी ने चार चार शादी किया है, कितने ने दो दो शादी किया है। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो कहा जाए कि निगेटिव
एटीट्यूड है मुसलमानों के बारे में, ये फजूल बातें, ये मुहम्मल बातें, इन सब चीजों को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है और दोनों बढ़ा रहे हैं। कानून लाने वाला कह रहा है कि हम चार शादी तो करे नहीं देंगे, और इधर से भी एक ग्रुप खड़ा होगा कि नहीं कहे करे दोगे हमको, ये तो मेरा हक है, हम करके रहेंगे। आप बड़े बेदार मग्ज, समझदार जानकार लोग हैं, हम आपको बड़ी संजीदगी के साथ ये बातें समझा रहे हैं। ये एक बात याद रखी और बात खत्म, वक्त नहीं है, वक्त ज्यादा हुआ चाहता, गर्मी भी शदीद है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी चीज पर आप रिएक्ट करते हैं, रद्द अमल आपका आता है, किसी अमल के नतीजे में आप रद्द अमल करते हैं, किसी एक्शन के नतीजे में आप अपना एक्शन दिखाते हैं, है ना, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि उसके प्रोग्राम का हिस्सा मत बनिए, जो वो चाहता है वो मकाम मत कीजिए। उसने कुछ सोच के एक्शन लिया है, उसने कुछ सोच के ही फितना छोड़ा है, उसने कुछ सोच के फलीता लगाया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो सोच के काम किया है उसी काम में हम लग जाएं और वो हंस के कहे हम तो जानते थे कि ये होगा, है ना, हम तो जानते थे कि ये होगा, सारा मुसलमान परेशान परेशान है, है ना। लॉ कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है, हिंदुस्तान के आईन का एक आर्टिकल है 44 आर्टिकल, वक्त नहीं वरना मैं तो तफसील में जाके आपको सुनाता और समझाता बात को। 44 आर्टिकल में, हमारे आईन में, हमारा संविधान, उसमें एक बात कही गई है कि इस मुल्क के रहने वालों के लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसा कानून होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इससे कौन इनकार करता है। मसला बात से पैदा नहीं होता, बात के इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है, कैसे हम उस बात को लेते हैं और उस बात से क्या समझते हैं, इससे मसला पैदा होता है। अगर कोई कहे कि इस पूरे मुल्क में एक तरह का कानून हो, कौन सी बुरी बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है। काला गोरा, लंबा मोटा, नाटा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, सबके साथ एक ट्रीटमेंट होना चाहिए, हो, अच्छी बात है, कौन मुखालिफ है। अब इसको हम दो तरह से समझाते हैं। एक मिसाल ये है कि इसको एक आदमी कहे कि भाई सबके लिए तो एक कानून होना चाहिए, तो आप ही कॉलर वाला कुर्ता पहना, ये बगैर कॉलर का पहने हुए, ये नहीं होगा, या तो सब आदमी कॉलर वाला पहने या सब आदमी बगैर कॉलर का पहने। अगर ये मकसद है तो कानून बनाने वाले के समझने में तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, तुमको ये बात ही समझ में नहीं आई कि कानून बनाने वाला क्या कह रहा है, कानून बनाने वाले ने क्या कहा ये तुमको समझ ही में नहीं आया। तुम सबका कपड़ा एक करना चाहते हो, एक रंग का कपड़ा पहनाओगे, एक रंग की कमीज पहनाओगे, एक रंग का पैंट या हाफ पैंट पहनाओगे, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। असल मकसूद उसका यह है कि इस मुल्क में हर आदमी आजाद होगा कि वो जो कपड़ा पहने उसमें कॉलर हो कि ना हो, ब्लू हो कि उजला हो कि हरा हो कि नीला हो कि पीला हो, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी को यह हक हासिल है कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक कपड़ा पहने, अपनी तबीयत के मुताबिक लिबास इख्तियार करे। हैरत की बात है कि इस मुल्क में जहां हर चार कोस पर बोली बदल जाती है और हर चार कोस पर प्रथा बदल जाती है, रस्म बदल जाता है, रिवाज बदल जाता है, ट्रेडिशन बदल जाता है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर की जा रही है तो आप ही क्यों परेशान है, सब लोग परेशान होंगे, जब होंगे तो देखा जाएगा, है ना। मुसलमान सबसे पहले क्यों परेशान हो जाए, मुसलमान ही सबसे पहले लाइन क्यों लगा दे। ये बड़ी बड़ी गलती है, बड़ा कसूर है जो आज हमारी सो कॉल्ड रहबरी, सो कॉल्ड रहनुमाई, सो कॉल्ड लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं, वो मुसलमानों को झोंक रहे हैं कि सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ, जबकि सबसे पहले तो वो खड़ा होगा जिसका ट्रेडिशन हर थोड़ी देर पर बदलता रहता है। यहां कौन है जो एक तरह का हो।
बिहार में छठ होता है, बिहार से बाहर छठ करने वाला छठ नहीं करता, जो बिहारी नहीं है वो छठ जानता भी नहीं। पता नहीं कितने किस्म का कैलेंडर है उनके यहां भी, उनके यहां भी पूजा के अलग अलग अंदाज हैं, साउथ और नॉर्थ। आप दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण का खाना पीना पहनना ओढ़ना बोलना चालना हंसना रोना सब अलग है, उत्तर आइए सब अलग है। तो इनको भी तो फिक्र होगी, आप ही क्यों फिक्रमंद हो? आप रुको ठहरो, आप बढ़ने दो दूसरे को आगे, दूसरे लोग आगे बढ़े। आसाम का ट्रेडिशन अलग, गुजरात का ट्रेडिशन अलग, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। तो पहले, और एक बात और है, किसी चीज पर रिएक्ट करने के लिए, रद्दे अमल देने के लिए, किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बहस शुरू की गई और सारे तबके को परेशान हाल बना दिया गया। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, घबराइए नहीं, ठहरे रहिए। कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से अपने जगह पर रहिए। वक्त आवेगा, देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, कैसे वो करते हैं। उनके यहां भी बहुत से इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को वो कैसे एक करते हैं और सब मिलके कैसे पार्ट लेते हैं। जैसे आपके यहां विरासत का कानून है, वैसे ही उनके यहां भी विरासत का कानून है, वो भी अपनी विरासत के सिलसिले में अपना कानून रखते हैं। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे और हम लोग इस सिलसिले में सोचेंगे। अभी बहुत ज्यादा परेशान होना, अपनी हरारत बढ़ा लेना, अपना बुखार बढ़ा लेना, परेशान होना कि हमको क्या करना है। ये वोटिंग नहीं है कि हर आदमी जाके वोट दे आवे, रेफरेंडम नहीं है कि हर आदमी जाके अपनी राय दर्ज करा दे। इत्मीनान से बैठिए।